डर के रहने लगे तो फिर तो भाई बात जिसमें और भी बढ़ते चले जाएंगे अपराध तो फिर। हाँ जैसे भाई ने पकड़ने लग गया नी, पकड़ने लग गया वो हाथा पाई करके छुटवा के भाज गया। अच्छा फिर मेरे भतीजे ने बताई है जी क्यों मेरे अपना बीच में दीवार है, मैं उषा लेटा सोऊं था, फिर इन्हें रुका मारा। फिलहाल अभी हम आपके बीच में एक बहुत ही दुखद खबर के साथ है पेश हुए हैं और तस्वीरें हैं जो आप जींद जिले के थाना सदर सफीदों से है तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। दुखद खबर क्या है दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा कि सफीदों क्षेत्र का गांव है रोजला गांव में देर रात 50 वर्षीय व्यक्ति की है मारपीट के दौरान है हत्या है वो कर दी जाती है। पूरा मामला है क्या अभी आप दे सकते हैं, जो 50 वर्षीय जो व्यक्ति थे ये उनके बेटा है और पूरी जानकारी है वो दे रहे हैं कैसे ये घटना घटी क्या है पूरा मामला, तो आप हमारे साथ बने रहे और आप इस वीडियो को आगे से आगे से जरूर करें। था उसमें उसी से ज़्यादा जानकारी लेंगे, क्या बताएंगे क्या घटना किस प्रकार घटी है। भाई घर में घुस गया था वो जो कर और गेट पर कूद का भाजन था, उससे पहले मारपीट हो गई थी भीतरे। कैसे क्या बात समय पूर्व शुरू से बताएं भाई कितने बजे की घटना थी और कैसे क्या हुआ। 10:30 बजे की घटना थी और मतलब मारपीट तो भीतरी हुई थी, क्या हुई थी वो तो पता नहीं मैंने भी। तो किसके साथ मारपीट हुई, कौन करने वाला था, आपने पुलिस में बस एचओ से को बयान दिए होंगे, आपने हत्या का FIR दर्ज कराई, क्या दर्ज कराया, क्या क्या बताए पूरा क्या बयान दिया पुलिस जो यहाँ पे लिखवाया है पूरी बताने क्या लिखवाया कि मतलब कि जो घर में घुस गया था वो भीतर चोरी चारी करने की उसमें और मेरा पगला मारपीट करके गेट पर कूद का बाजे था, मैं पकड़न गया तो ना वो मैं पकड़ा कौन गाइट मारने लग गया था वो और वे वापस आया तो मेरा आपा मतलब एक भी तो बोलिया कि संदीप मेरा मार कर चला गया घूम चोट और फिर मतलब बेहोश हो गया था और उसके बाद हॉस्पिटल में लेकर आए थे। हॉस्पिटल में लाने के बाद मतलब डॉक्टर ने मरीज घोषित कर दिया था। कौन था जिसकी जिसके साथ आपके पापा की हाथापाई हुई, क्या उसका नाम था, क्या बताए कौन है। संदीप है, जीरो जिले का महेंद्र का लड़का। आपके गांव का ही है। हाँ जी। क्या पड़ोस में ही है। नहीं दूर है। तो कितनी देर तक हाथापाई चली होगी आप जैसे मौके पे थे और किस प्रकार की उन्होंने चोटें मारी है। नहीं ये तो मैंने पता नहीं कि मतलब किस प्रकार की चोट मारी है, गुम चोट है मतलब। गुम चोट है ज़्यादातर। हाँ। तो क्या नाम आपका। तनुज। तनुज, अब आपने पुलिस को FIR कराई होगी, पुलिस वो क्या कह रही है अभी गिरफ्तारी कब तक हो जाएगी। नहीं तो पता नहीं जी, मैंने अभी बताऊँगे अभी बताएंगे। हाँ जी। तो पोस्टमार्टम अभी तो होया। नहीं जी अभी तक तो नहीं हुआ। रात को ही पूरा हो गए थे, मौके पर ही पूरे हो गए थे। हाँ मौके पर पूरे हो गए थे घर पर। हाँ जी। तो अब फिलहाल डेड बॉडी कहाँ है। हॉस्पिटल में जी। हॉस्पिटल में। तो और कितने भाई बहन और कितनी उम्र थी आपके पिताजी की, आपके पिताजी की उम्र कितनी है। 50 के करीब थे जी। 50 के करीब। कितने भाई बहन आप। 3 जी। 3 दादा जी हो। चोरी। हाँ जी घर में चोरी कर चुका 4-5 बार जेल में भी जा चुका 4-5 बार वो। अच्छा जी। पुलिस केस में चोरी के इल्जाम में। चोरी के इल्जाम में। हाँ जी। आपका क्या लगता है मृतक। मैं ताऊ का लड़का जी हूँ। ताऊ का लड़का। तो आपको रात नहीं पता चल गया था। नहीं जी हमें सुबह 5 बजे खबर लगी थी, हम पानी पत रहते हैं जी वैसे तो। अच्छा अच्छा। जैसे ही घटना हुई मकान के अंदर हुई या दौड़ा दौड़ा करके गली में भी कुछ ऐसा अभी दौड़ा दौड़ा। नहीं जी सुनने में हम तो पानी पत थे जी, सुनने में यही आया कि घर में हुआ है, ताला लग रहा था, ताला के अंदर कूद के चोरी कर रहा था वो, फिर भाई ने देख लिया उसको और करे पकड़ने लग गया तो उसको गुप्त चोट मार के वो भाग गया कूद के, उसने शोर मचाया तो ये भाई ने बच्चे ने पकड़नी सोची तो इतने में उसको देख के फिर ईंट ठाने लग गया इसके, तो ये अकेला था तो इसलिए डर के पीछे हट गया कि मंदिर का भी पुजारी भी गवाह है जी, मंदिर में रहता है जी वो भी महंत। मौके पे आ गया। नहीं उसने भी देखा था भागते हुए उसको। क्या वो अकेले थी उनके साथ और कोई भी था। अकेला ही था जी वो। अकेले ही थे। हाँ। उसकी उम्र कितनी होगी लगभग जो आरोपी है। उसकी है 24-25 साल का लड़का। हाँ। संदीप नाम बताया। संदीप है जी, महेंद्र का बिरागी। महेंद्र का लड़का है। हाँ बिरागी हूँ मैं। अच्छा अच्छा। उस समय कौन कौन मकान में थे जैसे घटना हुई। आप नहीं जी मेरे पापा तो अंदर था जो मैं बाहर था जी मकान के। और फैमिली वाले। नहीं फैमिली वाले तो चुलकाना धाम पे जाते थे। मेरी भाभी। हाँ। वे चुलकाना है। चुलकाना गए। हाँ। और जो बड़ा लड़का है वो जा रहा है पंजाब। हाँ ड्राइवरी वो कनेक्टर है, गाड़ी सीखा है। तो यानी कि चोरी के इरादे से ही। हाँ यही तो घर में अकेला भाई भाई था जी। चोरी कुछ की थी अभी रात। नहीं नहीं कुछ नहीं करी थी जी। अंदर घुसा ही। अंदर घुसा ही था जी। हाँ जैसे भाई ने पकड़ने लग गया नी, पकड़ने लग गया वो हाथा पाई करके छुटवा के भाज गया। अच्छा फिर मेरे भतीजे ने बताई है जी क्यों मेरे अपना बीच में दीवार है, मैं उषा लेटा सोऊं था, फिर इन्हें रुका मारा।
वो बेहोश हो गया, उन्हें रुका मारा था चाहिए, मेरा पापा बेहोश हो गया। तो शहीदो ले आए डॉक्टर के, तो उन्हें जवाब दे दिया ये तो घर पे ले जाओ। तो अभी आपने आप एफआईआर दर्ज करवा दी है? हाँ जी करवा दीजिए। तो प्रशासन ने क्या कुछ आश्वासन दिया कितनी देर में गिरफ्तार? बाबा ये कहते हैं कि 10 मिनट में फाइल तैयार हो जाएगी जी, फिर उस पर हमें कार्रवाई पूरी कराएंगे। पूरी कार्रवाई का यार उन्हें 10 मिनट का टाइम दो, हम पूरी कार्रवाई उन्हें आपको 2 दिन में ला कर देंगे जी। जी जी जैसे कि बड़ी दुखद घटना है जी। ऐसा है जी, मेरे को तो PCR गांव में चली गई थी उस टाइम, पता मतलब फ़ोन गया था तो मैं उठ कर आया, देखा वहाँ मतलब इसकी डेड बॉडी पड़ी थी। तो मैं इसको वहाँ थोड़ी देर में आईओ को फ़ोन हो गया था, SHO साहब को, SHO साहब थोड़ी देर में चले गए थे। तो उसके बाद ये वाई बात से कहूँ डेड बॉडी कहाँ पे थी, बेड पे या मकान? नहीं नहीं, नीचे वहाँ पड़ी थी आंगन, आंगन नहीं नहीं आंगन में अंदर अंदर चार में। तो शरीर पे नोट चोट के निशान कुछ दिखाई दी? ऐसा है जी, मैंने तो देखो वो इतना नहीं देखा भाई, शरीर पे मतलब कहीं चोट के निशान है, बाकी बड़ा गलत होया जी। सरपंच साहब जी, आपके गांव में ऐसे मामले पहले कभी हुए हैं? ना जी, पहला ही ऐसा पहला मामला है ये। बाकी चोरी के तो चलते रहते हैं, कभी मतलब मोटर ट्यूबला की तार कट गई, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया। और ये पहले भी मतलब जो ये संदीप है, ये पहले भी चोरी में वारदातों में मतलब इसके काफ़ी मतलब केस हैं इस पर, मतलब है थोड़ा शरारती है। तो भाईचारा बनाने के लिए क्या प्रयास करेंगे गांव का भाईचारा ना? भाई साहब भाईचारा के लिए तो वही बात से देखो कानूनी कार्रवाई तो होनी चाहिए, ऐसी घटना ना हो रंजिश तौर पर उसके। नहीं रंजिश नू ऐसा कोई वा नहीं है, अगर ऐसा नू डर के रहने लगे तो फिर तो वही बात से रंजिश और भी बढ़ते चले जाएंगे अपराध तो फिर। अच्छा तो मृतक जो 50 वर्ष, कितने बच्चे हैं उस पर? 3 बच्चे हैं जी, 2 लड़के हैं 1 लड़की है। काम काज क्या कुछ? बल्कि जिस दौरान ये घटना घटी उसे की पत्नी और 1 लड़की चुलकाना धाम पे मतलब पूजा के लिए गई हुई थी, उनको तो बल्कि मेरी गाड़ी में ही लेके आए हैं जाके जी, जी। तो बड़ी घटना। काम क्या कुछ करते हैं जी? ये जी वही बात सर, मैं ये गुडरिक जो चाहे इसका थोड़ा कंपनी में काम कर रहे थे। कौन सी कंपनी? गुडरिक में था, चाय की है गुडरिक उसमें, हाँ चाय पत्ते की। कितने सालों से लगे थे ये? तो जी पहले तो गुआना करते थे, लेकिन अब साल सारा हो गया मतलब इसमें। भाई साहब ऐसा है ना, रात को ये घटना हुई थी, अब सुबह पता लगा सरपंच साहब भी मतलब रात को कार्रवाई में थे, तो जो भी घटना हुई है वो तो सारी इंक्वायरी चल रही है, पोस्टमार्टम अभी होना बाकी है, उसमें क्या कुछ है रिपोर्ट आती है क्या कुछ होता है वो देखते हैं। चोरी के बता रहे अभी चोरी करने घुसा था, उसके साथ मारपीट हुई, मारपीट के दौरान ही उनके मतलब डेथ बताई जा रही है जो फिलहाल की जो जानकारी है जी। तो निशान न सुना अपने सब को? नहीं निशान सब नहीं, वो मर्चरिया उसमें रखे हैं अभी तो। अच्छा अच्छा हाँ जी। गांव के पंच हैं और भी हैं, क्या कहेंगे जी आप, क्या कहेंगे घटना को किस प्रकार से? दुखद घटना है जी ये। ये जो है लड़का संदीप महेंद्र का चोरी के चक्कर में घुसा था वहाँ पे, तो उसके पास पीछे लगे हैं तो उसको गुम चोट लगाई है उसने, उसके पेट में मुक्के मारे हैं। सुना है गुप्तंगों में भी? हाँ गुप्तंगों में वार की है, कोई निशान तो ऐसे है नहीं, मुक्के मारे हैं पेट में जिससे उसकी हत्या होगी है, मौत होगी उसकी जी जी। जैसे जैसे किस परिवार के ये जो है संदीप है, किस प्रवृत्ति का था, शरारती बताया जाए? हाँ शरारती तत्व तो है ही, ये काफ़ी दिनों से चोरी डकैती करता है, गलत है लड़का ये। हाँ जी। तो इससे पहले भी कभी जेल में गए? हाँ कई बार जा चुका है जेल में तो ये। अच्छा जी। हाँ काफ़ी चोरी की है इन्होंने। तो परिवार वाले कुछ नहीं कहते इसको? परिवार वाले साथ दे रहे हैं इसका। अच्छा परिवार वाले भी साथ ही दे रहे हैं, कर लेता है चोरी कर ले वो। अब प्रशासन से जैसे कि इसके द्वारा हत्या कर दी गई, प्रशासन से क्या? प्रशासन से यही मांग है जी, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। हाँ यही है। अपना नाम? मेरा बबलू नाम है जी। बबलू,